नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कई चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं और उनकी तह तक मीडिया वाले नहीं जा पाते हैं। मेरा यही मकसद है कि जो सच छूट गया है उसको आपके सामने लाने का। आजकल हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अब नहीं रहे हैं। उनकी काव्य प्रतिभा से और वक्तित्व से और बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं जिनसे हम सब बहुत लोग प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। लेकिन कुछ बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो छूट गई हैं, जिसे शायद आप ना जानते हों, मेरी ये प्रयास है मेरा कि मैं वो आपके सामने तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 अगस्त में अयोध्या गए थे। आपको पता है वो क्यों गए थे? जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊंगा कि अयोध्या अटल बिहारी वाजपेयी गए थे कि अयोध्या के एक संत रामचंद्र परमहंस जी महाराज, उनका शरीर पूरा हो गया था और जब शरीर पूरा हुआ था उनकी चिता जल रही थी, अटल जी ने एक प्रण लिया था दोस्तों, जिसे शायद मोदी जी नहीं जानते होंगे और भाजपाई लोग भूल गए हैं। आज हम अटल जी के नाम पर राजनीति तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी इच्छा, अंतिम इच्छा पूरी कर पाएंगे? क्या मोदी जी अटल जी का वो सपना साकार कर पाएंगे जो उन्होंने जलती चिता के सामने प्राण लिया था? तो मैं आपको दिखाऊंगा वो बात। उस अध्यक्ष का मैं आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा, जो समाधि स्थल, जो संत थे रामचंद्र जी परमहंस जी, उनकी समाधि स्थल के जो आजकल अध्यक्ष हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अटल जी ने कौन सा प्रण लिया था। अटल जी ने दोस्तों ये जो प्रण लिया था कि मैं ये संकल्प करता हूँ कि महाराज जी का सपना था रामचंद्र जी परमहंस जी का कि हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। तो उन्होंने उस समय चिता जब जल रही थी तो ऐसा ही कुछ प्रण लिया था। उस इंटरव्यू में आप देखेंगे क्या प्रण था, तो आप इसको देखें और तो औरों तक शेयर करें। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत, भारतीय परंपरा जो मिटती जा रही है, मुगलों ने मिटाया, अंग्रेजों ने मिटाया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बातें, आज भी हमारे संत हैं, लाखों लोग राम मंदिर में चले गए। आज भाजपा जो कि राम मंदिर और गौ मुद्दा के, गौ सुरक्षा के मुद्दे पर भारत में फिर सरकार बना पाए पूर्ण बहुमत से, लेकिन पिछले सब 4 सवा 4 सालों में इन्होंने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जो हिंदू हित के लिए हो। तो मैं चाहता हूँ फिर से मोदी जी इस पर ध्यान दें और गोरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाए। आइए आपको सुनाते हैं वो इंटरव्यू। जय श्री राम। संस्कार में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आए थे। उन्होंने चिता के सामने सौगंध खाया कि मैं परमहंस जी की चिता के सामने सौगंध खाता हूँ कि असली श्रद्धांजलि वही होगी जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और मैं राम मंदिर निर्माण करके रहूँगा। लेकिन आज तक ये सपना साकार नहीं हो सका, न राम मंदिर का निर्माण हो सका। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब अयोध्या के मेयर से लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति कोविंद जी, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय। और अब ये सुनहरा अवसर है कि राम मंदिर का निर्माण हो, तो यह सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम राम मंदिर का निर्माण होगा। यही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बाकी ऐसे श्रद्धांजलि का कोई मतलब नहीं है। पुण्यतिथि के अवसर पर कम हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और पूज्य मुख्यमंत्री भी, मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि अपने नेतृत्व में, अपने कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और राम मंदिर बने इसलिए हम लोग 2 बार श्रद्धांजलि मना रहे हैं। कल श्रावण वैसे हमारे इस समाधि के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय आचार्य नारायण मिश्रा जी, इन्होंने जो महाराष्ट्री की ओरिजिनल श्रद्धा पूरी तिथि है वो श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को भी आपने कल मनाया और आज भी सारे संत इकट्ठा हैं और संत चाह रहे हैं कि हम रोज श्रद्धांजलि अर्पित करें और परमहंस जी महाराज से निवेदन करें कि अब आप सूक्ष्म सत्ता में बैठे हैं, भगवान श्री राम के साकेत धाम में आपका स्थान हो गया है। अभी तक आप अयोध्या धाम में थे, अब आप साकेत धाम में हैं और जल्दी जल्दी हम लोगों को शक्ति दें और मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अंतर प्रेरणा दें कि आपका सपना साकार हो राम।